हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब से कनाडा आया हूँ, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि कनाडा के अंदर अभी सिचुएशन कैसी है पेंडेमिक के बाद। तो हर जगह से अलग अलग न्यूज़ सुनने को मिलती है कि अभी सिचुएशन थोड़ी बुरी है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर ये भी सुनने को मिल जाता है कि नहीं, स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है अभी इस टाइम। तो गाइस, जब मैंने पहुंचने के बाद रियल लाइफ एक्सपीरियंस पूछा उन स्टूडेंट्स से जो कनाडा पेंडेमिक से पहले आए थे, तो मेरे को ये चीज़ पता चली कि आई एम वेरी लकी जो मैं इस टाइम पे कनाडा अभी आया हूं। तो गाइस, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और साथ में लास्ट में आपको कुछ सजेशन भी देने वाला हूं कॉलेज चूज करते टाइम। अगर वो चीजें भी आप फॉलो कर लोगे तो आपका जितना टाइम रहेगा यहाँ पे ऑन स्टूडेंट वीजा वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो सकता है। तो इसलिए गाइस, मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, बात करते हैं ऑनलाइन स्टडीज के बारे में। तो कुछ जनों को तो ऑनलाइन स्टडीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बट गाइस ऑनलाइन स्टडीज की वजह से जो हमें यहाँ पे फायदे मिल रहे हैं वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। पहले तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से टाइम मैनेजमेंट इतनी ईजी हो जाती है, क्योंकि ये बात हमें पता है कि खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिलता वरना स्टूडेंट्स को, और साथ में जो आपका ट्रैवल का एक्सपेंस है वो आपको यहाँ आने के बाद पता चलेगा। अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे तो आपका मंथली जो ट्रैवल एक्सपेंस भी है वो बहुत ज्यादा बचना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, बात करते हैं जॉब्स के बारे में। ये बात यहाँ आने के बाद पता चली है कि ये जो रीओपनिंग चल रही है उसका फायदा बहुत ज्यादा मिल रहा है अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो। ऑलमोस्ट हर जगह यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की ओपनिंग है, और सब कुछ सही रहे तो आप आते ही यहाँ पे विद इन वीक ही अपना काम भी ढूंढ सकते हो। वरना पहले हमें पता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी काम ढूंढने में। तो इसीलिए गाइस मैं एक सजेशन भी दूंगा, यहाँ आने से पहले अगर आपको कोई भी काम अच्छा लगता है वो वहां से इंडिया से उसका एक्सपीरियंस जरूर लेके आना जो आपको पार्ट टाइम जॉब में यहाँ पे आगे काम दे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। गाइस, हम इंडिया के अंदर अपने देखते थे कि काश मेरे को उस कॉलेज से ऑफर लेटर आ जाए ताकि मैं उस पर्टिकुलर सिटी में जाके रह सकूं। तो अब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ये चीज बहुत अच्छी है कि अब आप जहां चाहते हो वहां रह सकते हो। और सबसे ज्यादा फायदा उन स्टूडेंट्स को ही मिल रहा है कि जिनका कॉलेज बहुत छोटे छोटे टाउन्स में होता था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे जो दूसरी सिटी जा जाके डेली काम करके आते थे, और लगभग उनका $30 से $40 एक्सपेंस जो होता था सिर्फ ट्रैवलिंग का ही हो जाता था दिन का। फॉर एग्जांपल आप मेरे को ही देख सकते हो, मेरा कॉलेज तो किचनर में है बट मैं इस टाइम अभी नॉर्थ यॉर्क रह रहा हूँ, टोरंटो के बिल्कुल पास में। और उसके बाद अपने बढ़ते हैं लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, कॉलेज के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला था। गाइस, अगर आप इन तीन चीजों का ध्यान रख लोगे तो आपका जो स्टूडेंट टाइम है यहाँ पे वो बहुत सही निकलेगा। सबसे पहले आप एक चीज जरूर देख के आना, अगर आप कोई डिप्लोमा ले रहे हो 2 साल का तो उसके बीच में सेमेस्टर ब्रेक हो, एकेडमिक ब्रेक भी बोलते हैं उसके। 2 सेमेस्टर के बाद आपको 4 मंथ्स टाइम मिलता है ब्रेक का जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो इसका फायदा ये मिलता है कि स्टूडेंट्स जो अपनी नेक्स्ट 2 सेमेस्टर की फीस होती है उसे मैनेज कर लेते हैं। अब मेरे केस में वो सेमेस्टर ब्रेक नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा सफर करना पड़ेगा फी मैनेजमेंट के अंदर। और दूसरी चीज ये, अगर गाइज आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है यहाँ आके तो 4 डे कॉलेज ही लेना, 5 डे क्लासेस वाला अगर आपने कॉलेज लिया है तो उस कंडीशन में भी आपको थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा, क्योंकि वीकेंड पे हमें यही रहता है कि हम ग्रोसरीज वगैरह कर लें, लॉन्ड्री वगैरह कर लें, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है पूरा वीक। बट अगर आपकी क्लासेस 3 डेज या 4 डेज है तो आप सब कुछ बहुत इजीली मैनेज कर लेते हो। और उसके बाद गाइस लास्ट पॉइंट जो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, अगर आपके कोर्स के अंदर आपको कोऑप मिल रहा हो, ऑप्शनल हो, तो गाइस पक्का ले लेना उसे। तो उसके 2 बहुत बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहला तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है वर्क वीजा पे आने से पहले ही, और सेकंड थिंग जो 4th सेमेस्टर के अंदर आपको फुल फी भरनी पड़ती है वो भी आपकी बच जाती है। तो इसलिए गाइस अगर आपको मौका मिले तो इन 3 चीजों का ध्यान जरूर रखना, लिटरली जितना भी आपका टाइम होगा एज अ स्टूडेंट कनाडा के अंदर वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो गाइस ऑल द बेस्ट उन सभी स्टूडेंट्स को जो फ्यूचर में अभी कनाडा ट्रैवल करने वाले हैं, और मेरी तरफ से भी पूरी कोशिश रहेगी कि डेली बेसिस पे ऐसे ही मैं आगे भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। इसलिए मेक श्योर आप जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है गाइस, अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।